बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जामुन के जूस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चले आए, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे जामुन है, मैंने वॉश कर लिया है। साथ में हमारे पास मिंट के पुदीने के पत्ते हैं और साथ में हमारे पास एक लीमू है। तो ये सारे इंग्रीडियंट्स हैं, तो चले आए शुरू करते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम लोग जो जामुन का जूस नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इन्हें किसी बड़े बर्तन में डाल के साथ में नमक डालते हैं, उसे शेक कर लेते हैं ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जामुन का जो पल्प है वो अलहदा कर लेना और जो गुटली है वो सेपरेट कर लेनी है। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा का पूरा जामुन जो है ग्राइंडर के अंदर डाल दें कि बाद में इसे स्ट्रेन कर लेंगे। मैंने बनाया था पहले, इसका बहुत ही ज़्यादा कड़वा टेस्ट आता था। आप उसके अंदर जितनी मर्ज़ी चीनी डालेंगे उसका टेस्ट बेहतर नहीं होगा और पिया तो बिल्कुल भी जाएगा नहीं। तो आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और जो उसका पल्प है वो अलहदा कर लेना है और जो है गुटली इसको साइड पर कर लेना है। तो इसको अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपका जो जूस है वो ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं होगा। ये मेरे साथ मैंने पहले वैसे ही ट्राई किया था कि चलें वैसे बन जाए तो इजी है ना, इतना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था बना, कड़वा टेस्ट था उसके अंदर। जितनी मर्ज़ी चीनी डालें ना उसका टेस्ट बेहतर नहीं होने वाला था। तो ये देखें जी, यहाँ पर जो है पल्प को अलहदा कर रही हैं और जो गुटली है उसको हम अलहदा कर लेंगे। थोड़ी सी मेहनत करेंगे लेकिन जूस हमारा अच्छा बनेगा और पीने वाला बनेगा। आई नो कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ अच्छी बनेगी, लाइक जूस अच्छा बनेगा, पीने वाला बनेगा। तो ये देखें जी, यहाँ सेपरेट कर ली है पल्प भी और गुटली भी। और यहाँ पर ग्राइंडर के जग के अंदर पहले आपने जो है पल्प डाल देना, उसके बाद पुदीने के 5-6 पत्ते हैं वो डाल देने छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद आपने एक लीमू जो है वो निचोड़ देना है इसके अंदर और साथ में 1/2 चम्मच के करीब काला नमक डाल देना है और आपने साथ में जो चीनी डाल देनी है, ठीक है। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। पहले आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा पानी डालना है, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ये देखें, जब इस फॉर्म में आ जाए तब आपने अंदर इसके अंदर पानी जितना आपने जूस बनाना है डाल लेना है। तो ये देखें जी, ये बन चुके हैं। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें, हम स्ट्रेन इसलिए कर लेंगे, जो छिलका है ना उसके जो जर्रे हैं वो मुँह में ना आए, वो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए इसको स्ट्रेन किया। तो ये देखें जी, हमारा जामुन का जूस जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।